गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल निशा अधिकारी ब्लॉग्स में। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। अभी सुबह के 10 बजने वाले हैं और नहाना धोना भी हो गया है, बाकी नाश्ता करने की तैयारी चल रही है। नाश्ते में आज बन रखा है कद्दू की सब्जी, रोटी और साथ में है दही। अभी मैं कपड़े धोने के लिए छत पे आई थी और आज का मौसम देखो। और यहाँ पे मम्मी ना नमक पीस रही है, इसमें हल्दी, मिर्च और पुदीना, धनिया और जीरा, अदरक ये सब मिला रखा है, तो ये ना बहुत ही टेस्टी होता है। नहाते वक्त खुश नहीं होती, जैसे इसके सर में पानी डालो ना तो रोने लगती है। और अभी देखो घर में छोटे बच्चे हैं और सामान इधर उधर बिखरा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये देखो रिद्धि अखबार यहाँ फेंक रखा है इसने, और वो देखो प्रेस भी लेके आ गई, और एक चप्पल वहाँ फेंक रखी है इसने, बताओ। और मैंने ना यहाँ पे केक बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है, और अभी मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी जिससे कि हमारा केक बनेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। इसने केक को पकने के लिए रख दिया और ये देखो जुगाड़। और बाकी मैंने ना बिस्किट की क्रीम निकाल दी थी, क्योंकि मेरे पास केक क्रीम भी नहीं है, तो मैं इसी की क्रीम बनाऊँगी। दोस्तों अभी केक बनके रेडी हो गया है, पर मुझे उसको दिखाने में ना बहुत ही शर्म आ रही है। आप देखोगे तो आपकी हंसी रुकेगी नहीं। उसका डिजाइन बहुत ही खतरनाक हो गया। दोस्तों ये केक मैंने ओरियो बिस्किट से बनाया, और ये जो व्हाइट है ये ओरियो की क्रीम है, और ऊपर से जो ये है तो मैंने इस केक को थोड़ा थोड़ा ऊपर से काट के गोल गोल बना दिए थे छोटे छोटे, और उनको चॉकलेट में डिप करके इसमें रखा है, और इसका डिज़ाइन बहुत ही खतरनाक हो गया है। ऐसा डिज़ाइन आपने देखा ही नहीं होगा पहले कभी। इस केक को देखकर मेरी हंसी तो नहीं रुक रही और आपकी भी नहीं रुक रही होगी। तो अभी ना मैं इसको बाकियों को दिखाती हूँ घर पे, सभी को उनका रिएक्शन देखते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
अभी खाना भी बन गया है और मम्मी पापा लोगों ने खा लिया है, अभी मैं भी खा लेती हूँ। खाने में बन रखा है बैगन का भरता और रोटी। दोस्तों अभी खाना खा लिया है और अभी इस केक को भी काट के देख लेते एक बार कि कैसा हो रहा है। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी ने ना थोड़ा सा यहाँ से खाया था और मुझे ना 100 में से 10 नंबर मिले, इसका मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है।